नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक सेरा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आपको एक साइक्लिस्ट नज़र आ रहा है। ये साइक्लिस्ट पिछले करीब 25-26 दिन से ये साइकिल लेकर घर से निकला है और इसका सपना है कि मैं साइकिल पर पूरा देश घूमूं और उसके बाद माउंट एवरेस्ट पर 2026 तक माउंट एवरेस्ट पर एक बार जाना है। और इसका सपना ये भी है कि मैं देश भर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक संदेश दूं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक युवक जो राजस्थान के खींवसर नागौर का है, जिसका नाम पप्पू चौधरी है, इसने अपनी साइकिल पर तिरंगा लगा रखा है और पिछले 25-26 दिन से ये घर से निकला है और आज ये बाड़मेर पहुंचा है। हमारे जितने भी दर्शक हैं, एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए इस युवक के हौसला अफजाई के लिए, क्योंकि ऐसे खूब सारे लोग होते हैं जिनका एक जुनून होता है, एक सपना होता है कि मैं साइकिल पर पूरे देश घूमूं और उसके बाद माउंट एवरेस्ट को फतेह करूं। हम सबकी शुभकामनाएं हैं कि ये माउंट एवरेस्ट पर जाएं, जो इसका संदेश है वो ये पहुंचाएं। राजस्थान टू माउंट एवरेस्ट, ये इसकी एक स्लोगन अपने पीछे लगा रखा है और ये अब माउंट एवरेस्ट फतेह करने के लिए नागौर से पिछले लगभग एक महीने से निकला है। अब मैं इसे बात करके कुछ जानकारी लेते हैं। अच्छा पप्पू, कब से निकले हो और क्यों ये दिमाग में आया कि मुझे ये प्रकार करना है? जी, मैं नागौर खींवसर के पास छोटे से गांव कुर्सी का रहने वाला हूँ। 1 सितंबर को मैं इंस्पेक्टर पीयूष जी सांवरिया से हरी झंडी दिखाकर वहाँ से मुझे रवाना किया गया। और मेरा एक ड्रीम है माउंट एवरेस्ट पर जहाँ से तिरंगा लहराना और एक साथ में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, जिसके तहत पर्यावरण संरक्षण के लेके हम कुछ पर्यावरण के प्रति कुछ अच्छा मैसेज और जो पौधा होता है उनको पेड़ बनने तक की संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करना, साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में सूखे पड़े हुए तालाब हो, गौचर भूमि पर है ना, जिसे धामण घास बोलते हैं, वो लगाना, ताकि गौशाला। अच्छा, आपकी उम्र कितनी हो गई है? मेरी 22 साल है सर। 22 साल है, ये कब आया आपके दिमाग में, ऐसा क्यों आया, क्या सोचा था आपने? सर, एक तो मैं ये सर है ना, स्वाभाविक ही रहता है, लेकिन क्या है कि मेरा ड्रीम था कि मैं साइकिल से घूमूं और माउंट एवरेस्ट क्लाइम। अभी कहाँ कहाँ घूम कर आए हैं अभी आप? अभी मैं नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही होते हुए अभी यहाँ बाड़मेर पहुँचा हूँ। बाड़मेर पहुँचे हो, फिर कहाँ कहाँ जाना है आपको? राजस्थान के 33 जिले जाना है, अभी यहाँ से मैं जैसलमेर के लिए रवाना होंगे। फिर आप इंडिया के कुछ भाग में भी जाएंगे? नहीं, इंडिया लगभग पूरा एक चक्कर होगा, पूरा चारों ओर का। हाँ, और उसके बाद 2026 में मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने जा रहा हूँ। फिर ये कैसे मैनेज होता है, कौन आपको ये सारा खर्चा वगैरह कौन देता है, कैसे खाना पीना हो जाता है? एक NGO है, समस्त महाजन ट्रस्ट मुंबई, जिन्होंने ये साइकिल मुझे भेंट की है। और एक सुमित्रा सेवा संस्था, जिन्होंने अभी राजस्थान ट्रिप स्पॉन्सर करने के लिए ऐसा मतलब आश्वासन दिया है। और जल्दी वो जयवीर जी चौधरी सर वो। अच्छा, तो फिर अभी अभी आप बाड़मेर से कहाँ जाओगे, उसके बाद क्या प्लानिंग है और क्या किन किन से मिलते हैं जब आप जिस जिलों में जाते हैं? हर जिले के जिला मुख्यालय में जाना होता है और साथ ही कलेक्टर, इंस्पेक्टर और पर्यावरण प्रेमी, समाज सेवी, भामाशाह और लगभग नेता सब लोगों से मिलना होता है, क्योंकि 2026 माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने के लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट भी चाहिए। तो उनकी भी सहायता साथ साथ लेते चलते जा रहे हैं। बिल्कुल, ये पप्पू चौधरी हैं जो नागौर जिले के खींवसर क्षेत्र का हैं और आप देखिए कि किस प्रकार से साइकिल पर एक यात्रा कर रहा है और उसके बाद इसका सपना है कि मैं माउंट एवरेस्ट को फतेह करूँ। तो हमारे जितने भी दर्शक हैं, एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।